हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो रोचक और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अपन आए हैं किसान भाई के पास, और तजुर्बेदार किसान है जिसे बातें भी करेंगे और जानेंगे बकरियों के बारे में और करेंगे उनसे बातें। नमस्कार काका जी। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या नाम आपको? नाम तो हरलाल जी। हमारा हरलाल जी। तो हरलाल जी कहाँ से हो आप? मोहाल से हूँ भाव जी। मोहाल जी, ये मोहाल कहाँ पड़ता है? ये मोहाल नागौर तहसील में पड़ता है, मतलब परबसर तहसील है, नागौर जिलो है, मैयापुर गांव के पास में पड़ता है। तो अजमेर से कितना पड़ता है आपका गांव? 5 कोस 7 कोस 5 कोस 7 कोस। जैसे किलोमीटर में बोले तो किलोमीटर में जोड़ लियो, मान लियो वो 3 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पड़ेगा ऐसे। तो ही पड़ी। तो काका, आज की वीडियो में क्या दिखाओगे आप? हाँ, बकरी देख लियो और क्या देखो मार्ग। बकरियां। तो जो आपने बकरी पकड़ी है, ये कौन सी नस्ल पे है? ये सिरोही है। सिरोही नस्ल की बकरी है क्या? ये सिरोही नस्ल की है। तो सिरोही नस्ल की क्या खासियत होती है? खासियत अति अच्छी होती है, बहुत बढ़िया लंबी चौड़ी होती है, बहुत पश्मी रुमाली फूट रही आती है, दूध अच्छा देती है, बच्चा बच्ची दो दो तीन तीन देती है। तो मैं आपसे सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहूंगा, यदि कोई भाई वीडियो देखे, कोई किसान बकरी फार्म करता है, तो बकरी फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं, क्यों क्यों करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए बकरी फार्म? अच्छी खिलाई पिलाई करे, अच्छी बकरियां रखे, अच्छे बकरो रखे, बाजार ताजो मिले, मते बकरियां बकरी पैदा अच्छा हुआ है, तो मते पैदा हो जाए, बकरियां बकरियां भोगड़ी पैदा देती है। तो जो आपने ये बकरी पकड़ी है, काफी हैवी बकरी है, काफी वजनदार बकरी है। हाँ, तो ये कितने वजन की? अभी इमें तो हो बार तो वजन तो थोड़ा हो बाबू जी, 60 किलो बोझ हो। 60 किलो वजन। हाँ। और कितना दांत पर है? 12 दांत तो 4 कर लिया बाबू जी। 4 दांत कर लिया। हाँ। और कितनी बार बच्चे दे दिया? नहीं, बच्चा पहली बार दिया। तो एक्चुअली में आपके इधर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, काफी हैवी वेट की होती है जब आप बच्चे लेते हो बकरी से। हाँ, तो बच्चा लेते हैं तो हाई वेट की बने, तो छोटी छोटी बच्चे ना क्रॉस थोड़ी कराते हैं बाबू जी। तो कितने महीने की बकरी क्रॉस करवाते हो आप? कम से कम 18 महीने की होनी चाहिए। 18 महीने। तो काका जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कोई भाई ऐसी 10 बकरियों से बकरी फार्म शुरू करे, हाँ, तो उसके साल की इनकम कितनी हो जाती है? बहुत सारी। बहुत सारी कितनी हो जाती है, पैसे में काउंट करे तो? हाँ जी बाबू जी, इनका बकरी बच्चा 50-40 हजार का तो चले चले हजार का। हाँ। एक एक बकरा? एक एक। तो कितने बकरा देते, कितने बच्चे देते? एक कोई एक... दो देती है, कोई तीन देती है, कोई एक ही देती है। एक बकरी से एक साल में कितने पैसे कमा सकते हैं? वो तो अनाज पूर्व में काटियो नहीं, पर अच्छा पैसा मिलता है खेबा को, मतलब काम सब यही चलता है। नहीं तो भी अंदाजन, जैसे आपको एक बकरी से कितना पैसा कमा लेते हैं आपके आइडिया से? क्योंकि आपने आप भी कम से कम 60 साल की उम्र के तो हो आप। तो बकरी तो बाबू जी ऐसी बात है कि ज्यादा छोड़े तो 50-60 हजार रुपया साल का छोड़ देती है एक बकरी। 60 हजार रुपया छोड़ देती है। तो जैसे 10 बकरी 6 लाख रुपए साल कमा लेते आराम से। आराम। और बकरी अलग से? बकरी अलग से। तो आपने जो ये बकरी पकड़ रखी हो आप, इसकी क्या डिमांड कर रखी है आपने? इसमें डिमांड तो ठीक है, अच्छी बकरी है, पकड़ भी नहीं, मतलब नहीं। इसके कितने पैसे करोगे आप, दोगे यदि कोई भाई लेना चाहेगा? पैसे तो लेना हो तो कम से कम 60-70 हजार। 60-70 हजार की बकरी अभी ये। हाँ। तो काका, और बकरी दिखाई ना आपके पास, अच्छी अच्छी क्वालिटी की बकरी आपकी पीछे है वाली? अभी दिखा दूंगा। ये आपकी पीछे वाली बकरी दिखाओ, देखो इसके थन भी काफी लंबे है। हाँ हाँ, इसके थन भी काफी लंबे हैं। हाँ, लंबे तो हो जाता है ना, दो बेद भी लंबा हो जाता है। हाँ, दो बेद पे थन लंबे हो जाते हैं। हाँ, एक बेद पे थन छोटे रहते हैं। छोटे रहते हैं बिल्कुल। तो काका, अभी इसकी दूध क्वांटिटी कितनी है? दूध क्वालिटी इनके तो 2.5 किलो दूध है टेम को बाबू जी। 2.5 किलो दूध हो जाता है? 2.5 किलो भाग तो हो जाता है इनके। और इसके जो अभी बच्चे दिए इसने? हाँ, बच्चे है इनके। कितने बच्चे हैं इसके? इसके 2 है बच्चे। 2 बच्चे हैं। पिछली बार क्या लेके आई थी? पिछली बार तो एक बकरी लाई थी। हाँ, तो अपने आप फोर सेल कर दी बकरी? नहीं, बकरी मैं चलती है, बट घर ही है, बट हाथ खोल लेंगे घर पे। तो काका, बकरियों पे ब्रीडर कैसा रखना चाहिए? बकरा बहुत फूट रहा है जगह, लंबा कान होना चाहिए। हाँ। शरीर की गड़ाई आपके पास ये बच्चा खड़ा, इसी को देख लेते हैं। हाँ, अच्छा देख लो बकरा जी, इनको नाक होनी चाहिए। हाँ। नक्शा होनी चाहिए, थोड़ा सिंग मोटा होनी चाहिए, इनका छोटा है क्या है। सही बात है। तो अभी ये कितने महीने का है? ये 6 महीने का बाबू जी। 6 महीने का बच्चा। हाँ। 6 महीने का बच्चा भी काफी एग्रेसिव है। इसकी वजन की बात करें, कितने वजन पे होगा ये? वजन तो थोड़े बाबू जी, मैं तो ना मन कम पड़े वजन में, मुझे ये तोला काम तो करूंगा नहीं, पर होलो 30-40 किलो। चलो, और बकरियां, और बकरियां दिखाओ ना आपकी। हाँ? पीछे भी बकरियां और दिखा दूंगा बाबू जी, बकरियां अगली ये तो देख लिया अपने। इधर आइए ना काका जी, इधर से चलते हैं, इधर से। आपके पास बकरियां भी अच्छी क्वालिटी की है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपन ऐसे तजुर्बेदार किसान के पास है जिनके पास अच्छी क्वालिटी की बकरियां, हैवी लेंथ की बकरियां। और सबसे बड़ी बात है कि इधर के क्या है, लोग बकरियों को
काफी जैसे उम्र लेके बकरी जैसे 13-14 महीने 15 महीने की होती है उसके बाद में क्रॉस करवाते हो, थोड़ा सही तरीके से बोलो ना काका, थोड़ा सही। हाँ, तो काका इसकी क्या डिटेल है बकरी की, ये अभी कितने दांत पे है इसकी? बाबू जी दांत तो ये 6 ही हो मारा शाम, 6 ही है, 6 दांत पे है ना। हाँ। तो अभी ये कितने ब्यात पे है? बेत माँ दूसरे बेत ब्याह, अभी दूसरा बेत ब्याह। हाँ। तो काफी हेवी बकरी है। हाँ। कता वजन पर होली काका? हाँ ज्यादा है वजन, मतलब कम से कम 60-70 वजन किलो की बकरी है ये, 60-70 किलो वजन में। हाँ। बकरी है। तो आप इतनी चमकीली बकरियां रखते हैं, क्या खिलाते हो इनको आप? इनको खेजड़ी का लहंग खिलाते हैं, मोड़ा पातड़ी खिलाते हैं। हाँ। और अच्छा बांटा बांटा छोटा सब खिला देते हैं, तो अच्छी रुमाली हो जाती है इसकी, पश्मी आ जाती है। ये है इसका, ये राज है। और अभी ये कितने दांत पे हो गई है? 6 दांत है, 6 दांत हो गई ना ये तो। हाँ। चलो दांत पे अपन ने बात करेंगी। और इसकी दूध क्वांटिटी कितनी थी जब फर्स्ट बार ब्याही थी तब? ये दूध सफट रहेगा, 2-2.5 किलो दूध है बाबू जी, 2-2.5 किलो दूध। तो एक दिन का कितना दूध हो जाता है बकरी के? एक दिन को दो टाइम को 5 किलो दूध, 4 किलो दूध, 5 किलो दूध। काफी लोग तो बोलते हैं इतना दूध होता ही नहीं है। हाँ? इतना दूध होता ही कौन नहीं है, बोलता है भाई, नहीं चराता जिसके नहीं होता है। हाँ ऐसा है, इसके जितो खुआ खिलाओ जितो दूध हो, जितो खुआ बतो ही। हाँ करो पाता आठ जाए थोड़ी सही बात है, ले आओ छठे सिले पाता आठ जाए जी। तो इनके पास अच्छी अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं दोस्तों, शानदार बकरियां हैं, और सब बकरियां कवर करके दिखा रहे हैं। और एग्रेसिव सबसे बड़ी बात है कि इनका जो तजुर्बा, वो एक वो बकरी लास्ट वाली बकरी दिखाओ ना, वो लास्ट वाली, वो बकरी भी काफी अच्छी दिख रही है। तो इनकी सारी बकरियां तो कवर करके दिखा नहीं सकते दोस्तों, कुछ कुछ बकरियां इनकी दिखा रहे हैं जिनके पास अच्छी अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं। ये आपका बकरा है, ये भी हाँ तो बड़े अटे रुक जाओ। हाँ तो ये बकरी क्या डिटेल है, आप बकरी कितना ब्याज पर होगी? यहाँ बकरी 3 बेत पर होगी, बाबू 3 बेत पर होगी। हाँ। और दांत की बात करें तो दांत की बात तो पूरी मिल गई, पूरी मिल गई। हाँ। इसके इसके जो थन है वो भी काफी अच्छे थन है। हाँ, थन तो अच्छा रहता है, तो 2-3 बार भी आ जाए अच्छा आ जाता है। तो इसके क्या था अभी पहले? वे पहले तो 50-60 70 हजार की भी घोषाली है। तो कागज की आपने जो बकरियों की रेट मांग रहे हो वो रेट ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा रेट मांग रहे हो? नहीं नहीं बहुत कम मांगता हूँ बाबू जी। हाँ हाँ तो इतने दे बकरियां तो ये तुम्हारे पास पैसे में देते हूँ आपको, वो तो 1-1 लाख में कौन दियो? हमारा तो काम वीडियो बनाने का है, हम ले जाके करेंगे भी, करेंगे भी क्या इनका। अजी मान ली बात, पर बकरी बहुत महंगी है, तो भाव है ना बकरियों को तो बाहर। ये आपका ब्रीडर है बाबू जी, ये कहीं करो 10,000 रुपया भाव का भाव, 10,000 रुपया भाव का भाव, 10,000 रुपया भाव का भाव, भाव का भाव, 10,000 रुपया भाव। क्या बात है, ये भी बात अच्छी है आपकी। और ये जो आपका ब्रीडर है, ये इनको भी देख लो अच्छा है, मैं तो अच्छा जान के रखता हूँ लीडर फीडर। तो ये ब्रीडर कितने पैसे का आपका? ये कम से कम हो 60,000 का, तो 60,000 रुपए का। हाँ तो ब्रीडर की रेट आपने ज्यादा नहीं मांगी है? नहीं कम मांगी, बहुत कम मांगी हो। हाँ सही बात है। एक ये बकरी भी दिखा दीजिए ना, अभी दिखा दूँ साहब। हाँ दिखाओ दिखाओ। तो दोस्तों इनकी बकरियां सबसे अच्छी अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, जानकारी मिल सके, और दोस्तों अच्छी अच्छी वीडियो से अवगत करा सकते हैं और अभी अपन है जो बवाल गाँव, जो बकरियों के नाम से प्रसिद्ध गाँव है और राजस्थान में प्रसिद्ध है, पूरे राजस्थान में बकरियों के नाम से प्रसिद्ध है। एक एक बकरियां मैं पूरी पूरी दिखा देता हूँ। अच्छी अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं दोस्तों, सब टॉप क्वालिटी की बकरियां रखते हैं और सब हैवी लेंथ की बकरियां रखते हैं, क्योंकि इधर हैवी लेंथ का बकरियों को क्या है कि टाइम पे क्रॉस करवाते हैं इसलिए। तो इस बकरी की कितना दांत पर रखा बार? आज दांत तो 6 कर लिया बाबू जी, दांत 6 कर लिया। हाँ। और कितने ब्यात पर है? आज दूसरे बेत भी आई हुई, दूसरे बेत पर। तो ये जो बकरियां बात है रख बोलियो आई की कई रुपया कर रखे हो? रुपया तो हमें बाबू जी हल्की मुल्की लो, थोड़ा बहुत कम हुआ नहीं तो 60-80 70,000 रुपया है मुल्का। अब एक दिन में ऐसी बकरियां वीडियो बना के हम डालते हैं तो लोग क्या कहते भाई इतने की लेंगे तो भाँस आ जाएगी, कोई भैंस भाँस तो आ जाती है मालूम, भाँस तो एक एक की दो दो आ जाए, दो दो आ जाए भाँस तो बकरियों की कीमत ज्यादा है। हाँ तो बकरियों की कीमत ज्यादा है यहाँ पे, ऐसा है। हाँ तो बकरियों में क्या है ऐसा कोई? अजी बकरियों में बकरियां पैसे मिलता है, बकरियां पैदा देती है, भाँस खाती ज्यादा है, बकरी कम खाती है, होनू चांदी खाती है और होनू अंगती है, भाँस चांदी खावर कती रंगा है ये कहीं करो बाबू जी? बकरिया क्या खाती है? चांदी खावर जो होनू अंगे। हाँ क्या बात है, ये राजस्थानी कहावत है। हाँ और ये जो ये दूसरी वाली बकरी है वो
ये वाली यही दूसरा बेत की है, आई दूसरा बेत पर, यही दूसरा बेत पर। तो का जो बकरियां है काफी हेवी बकरियां है, तो एक ही का रेट कर रखी हो? हेट तो हाट तो आई है आगे 50-60, 50-60, 70-80, 70-80 बटे चलो थे नीचे नहीं मिलेगी दाना, 50 नीचे की आई को नहीं। हाँ हाँ ठीक है काका जी, ओके, राम राम। राम राम साहब, राम राम।